बच्चों चलो अगला हिस्सा देखते हैं। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। यानी नए मूल्य अगर अपनाना है तो हमें पहले यहाँ उसे उसे धरती पर टिकते हैं या नहीं देखना है। फिर उन मूल्यों को हमें स्वीकारना है और तभी नई चौड़ी राह खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। लेखिका क्या कहती है अपनी बेटी से, तुम्हारी सहेली रचना को तुम यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। लेखिका कहना चाहती है तुम्हारी सहेली रचना को बताओ कि नई नई क्रांति करने के बारे में जो सोच रही है ये जरा मुश्किल बात है। अगर ऐसा करना है तो लेखिका कहती है यह एक निहायत मूर्खता है, क्योंकि एक ही झटके में टूट कर हार बैठ जाना ऐसी ये मूर्खता होगी। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष की पूर्वार्ध में ही है, यानी वह पढ़ाई कर रही है, प्रथम वर्ष में ही पढ़ाई कर रही है, तो ऐसी हालत में ऐसे विचार करना उचित नहीं है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अब जब वह पढ़ाई कर रही है, प्रथम वर्ष में ही पढ़ाई कर रही है, तो ऐसे विचार दिमाग में नहीं लाना चाहिए। माता पिता ने पढ़ाई के लिए भेजा है तो पढ़ाई का काम पहले पूर्ण करना है, उसके बाद में इन बातों पर विचार करना चाहिए। अभी इस विषय पर सोचना समझना नहीं है, सिर्फ सोच समझ कर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना है। उसके सिवा और कुछ बातें अभी दिमाग में नहीं लाना है। पढ़ाई के लिए भेजा है तो पढ़ाई पहले पूर्ण करनी है, अच्छे अंकों से पास होना है, डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद बाकी विचारों के बारे में सोचने के लिए माता पिता तो होते ही है। पढ़ाई के दरमियान ऐसे विचार दिमाग में लाना सही बात नहीं है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने जांचे परखे। यहाँ लेखिका कहती है कि कॉलेज के जीवन की पूरी अवधि में उसे क्या करना है, अन्य मित्रों की तरह ही उसे अपने दोस्त को पहले देखना है, एक दूसरे को देखना जानना जांचना और परखना है कि वाकई उसे अगर हमें जीवन साथी बनाना है तो जीवन साथी बनाने लायक वाकई वह है या नहीं, यह पहले देखने की कोशिश करनी है। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यानी एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं बनना है, बल्कि एक दूसरे को प्रेरणा देनी है, ताकत बनकर परस्पर का विकास करने में सहभागी बनना है। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। लेखिका यह कहना चाहती है पहले उसे जांचना परखना है, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं बनना है, एक दूसरे को प्रेरणा देना है, ताकत बनकर रहना है, एक दूसरे का परस्पर विकास करने में सहभागी होना है और अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर एक दूसरे को पूर्ववत लगाव महसूस करें। यानी
शुरू में जैसे उनमें लगाव था वैसे ही आगे है ऐसा महसूस होता है, तो उन्हें निकट रहकर अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। मतलब क्या कहा हुआ, गलतियों में भी वे साथ निभा सकते हैं या नहीं देखना, एक दूसरे की गलतियाँ एक दूसरे की कमियाँ यह महसूस करनी है। अगर एक दूसरे में कुछ कमियाँ हैं तो वाकई उन कमियों को वह स्वीकार कर सकते हैं क्या, उन गलतियों से उन कमियों से उनकी दोस्ती में कोई दूर दरार तो नहीं आ जाएगी, इस बारे में पहले सोचना है और एक दूसरे की समस्त खूबियों और कमियों को एक साथ स्वीकारना है, अपना लेना है। अगर ऐसा हो सकता है, मतलब एक दूसरे में कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराइयाँ होती हैं, वह सब हम अपना स्वीकार कर सकते हैं नहीं, इस बारे में सोचना है। अगर उसे गुण अवगुण दोनों के साथ स्वीकार करने की इच्छा हो सकती है तो ऐसी स्थिति में यह कथित क्रांति फिर कठिन नहीं होगी और न असफलता होगी। यानी अवगुण गुण अवगुण दोनों को साथ लेकर अगर आप उसका स्वीकार करना चाहती है तो फिर जीवन में असफलता नहीं आ सकती। मतलब सिर्फ गुणों को नहीं देखना है, हर एक इंसान में गुण अवगुण दोनों भी होते हैं। तो तुम्हारी सहेली को पहले अपने दोस्त के भीतर क्या गुण है क्या अवगुण है यह पहले देखना है और फिर वाकई उन गुण अवगुणों को वह स्वीकार कर सकती है या नहीं देखना है। वाकई गुण अवगुणों का स्वीकार करते हुए वो उसे स्वीकारती है तो फिर साथ निभाना है। लेखिका कहना चाहती है कि रचना को अपने उस दोस्त की खूबी और कमियों का स्वीकार कर अपना लेना है, तभी यह क्रांति कठिन नहीं होगी। यानी उसमें अच्छा या है बुरा या है दोनों का स्वीकार करते हुए उसने अगर उसे स्वीकार कर लिया तो यह क्रांति कठिन नहीं होगी और उसे सफलता प्राप्त होगी। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच भी पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। यानी लेखिका कहती है कि उन दोनों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी, वे उन्हें जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को क्या करना है, तैयार करना है। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। यानी पढ़ाई के दिन है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, इसी दरमियान एक दूसरे को जानना है पहचानना है, ऐसा यह लेखिका कहती है। और बिना तैयारी के यानी स्वयं को पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है और फिर बिना तैयारी के जल्दबाजी में अगर शादी पढ़ाई के बीच उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो यह उनके जीवन के लिए बेवकूफ़ी हो जाएगी, यह क्रांति नहीं कही जाएगी, यह उनकी मूर्खता होगी। पढ़ाई ही जो है पहले पूरी करने की कोशिश करनी है, ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। लेखिका कहती है कि इस प्रकार की क्रांति करना यानी निश्चित असफल होना है, पहले पढ़ लिख कर आगे बनना है, पहले जीवन में कुछ बनने के बाद ही शादी के बारे में सोचना है। पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर पढ़ाई के दरमियान ऐसे करेंगे तो अंक भी कम प्राप्त हो जाएंगे, पढ़ाई की ओर उनका ध्यान कम हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छे अंकों वाली डिग्री हासिल करनी है, योग्य नौकरी का स्वीकार करना है, बाद में शादी के बारे में सोचना है। और इसी दरमियान एक दूसरे में जो कमियाँ हैं कुछ खूबियाँ हैं वह समझने की कोशिश करनी है और गुण अवगुण के साथ एक दूसरे को स्वीकारने की कोशिश करेंगे तभी वे जीवन में सफल होंगे, अन्यथा यह उनके जीवन में बेवकूफ़ी हो जाएगी और वह असफल भी हो जाएंगे। लेखिका कहती है इतने जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद सफल हो, यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। यानी शादी जीवन में एक ही बार की जाती है, यह जीवन का अहम फैसला है, निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह जीवन का फैसला लेते समय काफ़ी सोच समझ कर जीवन में यह फैसला लेना है और ऐसा फैसला लेते समय
जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। माता पिता ने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा है तो ध्यान लगाकर बहुत अच्छाई से अच्छे अंकों से पास होने के बारे में सोचना। इसी दरमियान एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, ऐसा यह लेखिका समझा रही है। मैं समझती हूँ रचना कि इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा जो निर्णय है वह सही निर्णय है, लेकिन तुम्हें तटस्थ रहना काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। यानी रचना तुम्हारी अगर प्यारी सहेली है तो तुम्हें उसका कुछ मायने में साथ देना है। उसका हित किस में है, उसका अहित किस में है, यह भी तुम्हें जरा देखना है और फिर उसमें तुम्हें हस्तक्षेप भी करना है। यानी उसे समझाने की कोशिश करनी है। वो नासमझ है, इस समय वह सही क्या है गलत क्या है यह समझ नहीं रही है। तो तुम्हें तटस्थ तो रहना है, लेकिन साथ साथ तुम्हारी प्यारी सहेली होने की वजह से उसका हित अहित भी देखना तुम्हारा काम है और फिर उसमें तुम्हें हस्तक्षेप भी करना चाहिए, ऐसे लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है। पर रचना को इसके लिए दोष देने वो उसकी भर्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। यानी लेखिका कहती है कि यह रचना का भी दोष है, ऐसी बात नहीं है। उम्र ही ऐसी होती है कि इस उम्र में ऐसी हालत हो सकती है। तो तुम्हें उसके कथित प्यार के जुनून को उल्टा क्या करना है, समझाने की कोशिश करनी है। तुम समझाते समय वो तुमसे थोड़ी नाराज हो जाएगी, तुमसे बात नहीं करेगी, फिर भी तुम्हें क्या करना है, अपनी सहेली मानकर उसकी बातों को बुरा नहीं मानना है। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। यानी तुम्हारी कही हुई बात शायद उसे अच्छी नहीं लगेगी तो तुम्हें उसका गुस्सा नहीं करना है, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करनी है जिससे वह संभल सकी। ऐसी बात सूझबूझ से तुम्हें करनी होगी। दोष अकेली रचने का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उम्र परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। लेखिका कहती है यह दोष रचना का अकेले का नहीं है, उसकी नासमझ उम्र का है और उसके परिवेश का है जिसे उसे संभल कर चलने के संस्कार शायद नहीं मिले हैं और इसलिए वह इस प्रकार आगे बढ़ रही है। लेखिका कहती है यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। यानी लेखिका यह कहना चाहती है कि उसकी उम्र का ही दोष है, इस उम्र में लड़कियां ऐसी करती हैं तो उसे समझाना है, ऐसा लेखिका कहती है। उसे प्यार से समझाना है, इस उम्र में क्या हो जाता है, उसका जो युवक दोस्त है वह मीठी मीठी बातें करता है, उसके बहकावे में आकर यह लड़की उसे ही अपना सब कुछ मानना शुरू कर देती है और फिर बाद में ऐसी हालत में वह मूर्खता भी जल्दबाजी में कर बैठती है। बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन पछतावा तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। यानी उसमें अब कोई सुधार नहीं लाया जा सकता। ऐसी हालत में जब वह पहुंच जाती है तो उसके पहले तुम उसकी प्यारी सहेली हो ऐसा मानकर उसे समझाने की कोशिश करो,
ताकि जीवन में उसे आगे पछताने की नौबत ना आ जाए। इसलिए तुम्हें उसे समझाने की कोशिश करनी है। यह उम्र ही ऐसी होती है कि पढ़ाई छोड़कर या फिर उसके घर के संस्कारों में शायद थोड़ी कमी आ गई है, वो घर के सदस्यों को अपनी बातें नहीं बताती है और इसलिए शायद वो अकेली पड़ गई है। तो उसे समझाना तुम्हारा फर्ज है, वह तुम्हारी प्यारी सहेली है, उसे समझाने की कोशिश करो ताकि उसे जीवन में पछताने के दिन न आ जाए। बच्चों यहाँ रुक जाते हैं।